आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बनाने की रेसिपी। उसके लिए पतीले में 4 से 5 कप पानी गरम करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे। तेल इसलिए डालेंगे ताकि हमारे नूडल्स एक दूसरे से ना चिपके। पानी के गर्म होते ही इसके अंदर नूडल्स डाल देना 1 पैकेट और नूडल्स को हमें 80-90% तक ही कुक कर लेना है। इसमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और यहाँ पर हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। अभी नूडल्स को छान लेंगे। अब इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। नूडल्स को ऐसे जरा अलग अलग कर लेंगे ताकि वो चिपके ना एक दूसरे से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे और तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नूडल्स हमारे चिपके ना। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही इसके अंदर बारीक कटे हुआ लहसुन डालेंगे और स्प्रिंग ऑनियंस डालेंगे। लहसुन और प्याज को सॉटे करेंगे और फ्लेम गैस का मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। अब पैन में सब्जियां डालेंगे तो सब्जियों में मैंने लिया है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। इसे पैन के अंदर डाल के 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी है तो अब इसके अंदर सारे नूडल्स डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डालकर सब नूडल्स और सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे सावधानी से मिक्स कर लेंगे ताकि नूडल्स भी ना टूटे और सॉस के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर नूडल्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स डालेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वेज हक्का नूडल्स बनकर तैयार है। इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स डालकर इसे सर्व कर लें।